डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि जानते हैं, हम लोग पिछले दिन केमिस्ट्री में एमिन के प्रकार में पढ़े थे। एमिन के प्रकार पढ़े थे कि एमिन के तीन प्रकार होते हैं, 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन, 3 डिग्री एमिन। चलिए अब हम लोग पहचान करते हैं 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन का। सबसे पहले एग्जाम्पल में लिख लिया जाए। पहला क्वेश्चन है ऐसे, CH3NH, CH2 CH2 NH2, CH3 CH2। पहले आप नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चन को, ठीक है, फिर बताते हैं कि कैसे पहचानते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे है CH2 N CH3 H, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, CH3 CH2 NH2। फोर्थ नंबर, CH3 N CH2 H N CH3 CH2। पहले आप नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चन को, फिर बताते हैं कि आखिर कैसे पहचानते हैं कि किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, CH3 CH2 N CH3 CH2 NH CH2 NH2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, CH3 N CH3 CH2 NHH। सातवां क्वेश्चन, सातवां ऐसे है CH3 CH2 N CH3 C2H5। फिर H2N CH2 C से यहाँ ऊपर H जुड़ा हुआ है, फिर नीचे N CH3, फिर आइए देखते हैं 9 नंबर, H2N CH2 N CH3 NH CH3। फिर 10, CH3 N CH2 NH2। फिर इससे जोड़ दिया जाए CH2 NH CH3। नंबर 11, CH3 NH CH2 N CH3 CH3। चलिए, ये 11 क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, इसमें से हम लोगों को पहचानना है
कौन 1 डिग्री अमीन है, कौन 2 डिग्री अमीन है, कौन 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को पहचानने के लिए हम लोगों ने पिछला दिन रूल्स सीखा था कि आखिर भाई 1 डिग्री अमीन किसको कहते हैं। 1 डिग्री जो अमीन कहते हैं वो होता है कि एक नाइट्रोजन का परमाणु, एक नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एक नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तब उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, 2 डिग्री कब बोलेंगे, तो 2 डिग्री अमीन कहा जाता है जब एक नाइट्रोजन 2 गो कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। एक नाइट्रोजन जब 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तब हम उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। ठीक है, 3 डिग्री कब बोलेंगे, जब एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तब हम उसको कहते हैं 3 डिग्री अमीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको हमेशा नाइट्रोजन पर बैठना है। तो इस पहले क्वेश्चन में नाइट्रोजन कितने जगह आया है, एक जगह। आप गोला नहीं घेरिएगा, हम आपको समझाने के लिए गोला घेर रहे हैं ताकि आपको दिखे कि कहाँ कहाँ नाइट्रोजन है। तो एक जगह नाइट्रोजन यहाँ पे है और एक जगह नाइट्रोजन यहाँ पे। नाइट्रोजन पे बैठना है, यहाँ पे बैठकर चारों तरफ देखना है कि नाइट्रोजन क्या कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये नाइट्रोजन इधर से 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है और यही नाइट्रोजन इधर से भी 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे 2 डिग्री अमीन बन रहा है। AM मतलब अमीन, ठीक है, A मतलब नहीं लिखेंगे 2 डिग्री A। बहुत सारे A लोग A लिख देते हैं 2 डिग्री A, तो फिर दिक्कत हो जाता है कि अल्कोहल है कि अमीन है। ठीक है, तो 2 डिग्री जो अमीन है वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों ओर कार्बन। ये नाइट्रोजन पे बैठना है, ये नाइट्रोजन पे बैठने के बाद कितना कार्बन दिख रहा है जिससे जुड़ा हुआ है, तो जस्ट तुरंत उसके जो उससे तुरंत जुड़ा रहेगा वही कार्बन को आपको देखना है, इसके इधर वाले कार्बन को नहीं देखना। ये नाइट्रोजन पे बैठेंगे तो इसके नज़दीक में कार्बन तो एक ही ना जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हो गया हम लोगों को 1 डिग्री अमीन। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 1 डिग्री अमीन कितना बन रहा है, तो 1 ठो। 2 डिग्री अमीन कितना बन रहा है, 1 ठो। और 3 डिग्री अमीन कितना बन रहा है, 1 भी नहीं। कट, समझ में आ रहा है। तो पहला का आंसर हो गया 1 डिग्री अमीन 1, 2 डिग्री अमीन 1, 3 डिग्री अमीन कुछ कुछ भी नहीं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है, तो एक जगह नाइट्रोजन, दूसरी जगह नाइट्रोजन, इसमें 2 ही जगह नाइट्रोजन है दोस्तों। अब हम क्या बोले, हमेशा नाइट्रोजन पे बैठो भाई। तो आप अगर यहाँ पे बैठोगे तो चारों तरफ देखो जो इसके नज़दीक में कार्बन कौन है, तो एक इधर हो गया नज़दीक में, दूसरा इधर हो गया नज़दीक में 2 कार्बन, और एक तीसरा नीचे कार्बन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 डिग्री अमीन बन रहा है। और नाइट्रोजन तो यहाँ है, यहाँ पे बैठकर देखो आप कि नज़दीक का कार्बन कितना है, तो एक नज़दीक का कार्बन ये हो गया जो इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन नीचे हो गया जो इसके डायरेक्ट जुटा हुआ है। ये कार्बन भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी नाइट्रोजन। यहाँ पे नहीं बोलेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, इसलिए इसका वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पे 2 डिग्री अमीन बनेगा। आप थोड़ा सा अच्छा से स्पेस बनाकर लिखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ 1 डिग्री जो अमीन बन रहा है वो 1 भी नहीं बन रहा है, जबकि 2 डिग्री अमीन जो बन रहा है वो 1 पीस बन रहा है, और 3 डिग्री जो अमीन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 ठो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री अमीन नहीं बन रहा है,
2 डिग्री और 3 डिग्री आई मीन बन रहा है एक एक छो, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको अब समझ में आ चुका होगा कि 1 डिग्री आई मीन 2 डिग्री आई मीन और 3 डिग्री आई मीन कहते किसको हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आज सिर्फ आपको 1 डिग्री आई मीन 2 डिग्री आई मीन और 3 डिग्री आई मीन इसमें से चुनना है। आपको 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बाकी का और भी 9 क्वेश्चन आपके लिए बचता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 है, जिसमें से 9 ठो हम लोगों ने सॉरी 2 ठो हम लोगों ने किया है, बाकी का 9 क्वेश्चन 11 में 2 क्वेश्चन बताए हैं, तो 9 क्वेश्चन आपके लिए बचता है। तो दोस्तों ये जो बच रहा है क्वेश्चन आप ज़रूर इसको कीजिए और 1 डिग्री 2 डिग्री आई मीन को और नोट्स करके और ज़रूर सेंड कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे कि आखिर एमिन का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, उसका क्या रूल नियम है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।